लॉकडाउन में पूरा देश कोरोना के डर से बंद है, लेकिन बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। शराबबंदी और लॉकडाउन में भी नए नए तरीकों से हो रही है शराब की सप्लाई। पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन 4 की भी तैयारी कर रही है, लेकिन इस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को तो जो करना है वो कर ही रहे हैं, बेधड़क, बेझिझक, बेफिक्र होकर। सफेद रंग की गाड़ी और उस सफेद गाड़ी में काला कारोबार करने की कोशिश, लेकिन नाकाम हो गई। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को नेशनल हाईवे पर पकड़ा, जो एक गाड़ी से अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे। कि हॉस्पिटल के नाम पर शराब की सप्लाई का खेल कैसे चल रहा था, वो भी तब जब बिहार में पहले से ही शराबबंदी लागू है। बावजूद इसके बिहार में शराब की लॉकडाउन में भी बहार है। देखिए इस गाड़ी के आगे वाले शीशे पर श्री साई हॉस्पिटल का लेटर हेड चिपका है, जिस पर लिखा है, हॉस्पिटल का सामान लेकर आया था, गाड़ी नंबर BR01GF8328 पटना कंकड़बाग से हाजीपुर जाना है, और आखिर में तारीख और साइन हो रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने इस गाड़ी को रोककर चेक किया, उसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। गाड़ी पर जिस हॉस्पिटल का लेटर हेड चिपका है, वो पटना में कंकड़बाग का नामी हॉस्पिटल बताया जा रहा है। एक पिकअप वाहन सदर में बरामद हुआ था, सदर थाना क्षेत्र का गश्ती गाड़ी पेट्रोलिंग कर रहा था, तो करीब 3 बजे के आसपास में सुबह में मॉर्निंग में एक पिकअप वाहन में हॉस्पिटल का आगे में ग्लास पर शीशा में लगाया हुआ था श्री साई हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना का एक पर्चा लगाया हुआ था, और जब उसको चेक किया गया तो उसमें पूरा फुल शराब भरा हुआ था, रम शराब है भरा हुआ पूरा फुल पिकअप, और वो पटना से गए हाजीपुर आने का और हाजीपुर से पटना जाने का साई हॉस्पिटल का सामान लेने का उसमें पर्चा लगाया हुआ था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है कि हॉस्पिटल का लेटर हेड इस गाड़ी पर कैसे आया। लेकिन लॉकडाउन में शराब की अवैध सप्लाई, और वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां शराबबंदी का कानून पहले से लागू है, ये बताने के लिए काफी है कि ऐसे लोगों के लिए कानून महज मजाक बनकर रह गया है।